दोस्तों आज के डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे वर्ल्ड का हर एक आदमी, मतलब हर एक दूसरा आदमी आप कह सकते हैं, उसको यूज़ करता है और इसके थ्रू वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, अपनी चीज़ों को वो सोशल मीडिया पे लाता है और एक लार्ज पॉपुलेशन को अपनी बात पहुँचाता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। अब इससे ये पता चलता है दोस्तों कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म हो गया है, चाहे इसमें फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कई प्लेटफॉर्म्स इस पर आते हैं जो नामी ग्रामी, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इनको लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग ईजिली जाके चीज़ों को बोलते हैं। अब वो सही बोले गलत बोले वो डिपेंड करता है बाद में कि भाई इस पे इन प्लेटफॉर्म्स ने क्या एक्शन लिया है। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं या उस कमेंट को या जो उन्होंने आगे रिमार्क दिया है उसको डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा सोशल मीडिया के बारे में और पावर ऑफ सोशल मीडिया के बारे में। दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ, ट्विटर के अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया, ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुई जिससे कहा गया कि भाई इंडिया में जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भड़केंगी। उसके पीछे एक रीज़न भी था, ट्विटर ने एक ऐसी वीडियो को वायरल किया जिसमें कोई तथ्य नहीं था और उसमें वो दिखाया गया कि एक धर्म के विशेष धर्म के आदमी को काफ़ी परेशान किया गया और पीछे एक विशेष धर्म के एक दूसरे धर्म के लोगों ने कुछ नारे लगाए, उसको मजबूर किया गया। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल गलत थी और इसको ट्विटर ने बिना किसी तथ्य के वायरल होने दिया अपने प्लेटफॉर्म पे और इसको हटाया नहीं। अब इसके खिलाफ क्या हुआ, ट्विटर के अगेंस्ट केस चला कि वो इंडिया में धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है और रिसेंटली अभी ट्विटर का जो ऑफिस है दिल्ली में वहाँ पर रेड भी हुई या विजिट किया पुलिस ने वहाँ पर जाके। अब दोस्तों ट्विटर पर एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा क्या हुआ, अभी इंडिया में रिसेंटली न्यू IT रूल्स एप्लीकेबल हुए और ट्विटर ने इस IT रूल को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया और इसको फॉलो नहीं किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली अभी ट्विटर ने क्या किया, जो हमारे IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उनका अकाउंट को लॉक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कितनी हैरानी की बात है, ट्विटर खुद आता है IT डिपार्टमेंट के अंडर, मतलब IT मिनिस्ट्री के अंडर आता है और उसने IT मिनिस्टर का ही अकाउंट लॉक कर दिया, मतलब ये हैरानी की बात है। और ये क्यों किया, लोगों का कहना है कि भाई ट्विटर बदला ले रहा है, लेकिन क्या ट्विटर इतना बड़ा हो गया कि वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा ले रहा है और वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और आंख दिखाने के लिए जो IT मिनिस्टर हैं जिसके अंडर वो काम करते हैं, जिसके अंडर वो आते हैं, उन्हीं का अकाउंट उन्होंने लॉक कर दिया। अब इसमें दोस्तों दो चीज़ें, ट्विटर बहुत पावरफुल हो गया है, ट्विटर इंडियन गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का अकाउंट लॉक कर सकता है, जैसे रिसेंटली अभी क्या हुआ, हमारे होम मिनिस्टर के DP पे इन्होंने जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। हालांकि किसी बंदे की अपनी ही प्रोफाइल पर कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है वो बात की बात है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उनका अकाउंट ट्विटर ने लॉक किया, सस्पेंड किया, बाद में उसको रिएक्टिव किया इन्होंने। तो दोस्तों ट्विटर अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसने चैलेंज किया एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में, जो मिनिस्टर्स हैं उनके अकाउंट को लॉक करके, सस्पेंड करके या उनकी किसी भी चीज़ पर स्ट्राइक करके, चाहे कंटेंट हो या कोई DP हो, फोटो हो, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक करके। दोस्तों ये ट्विटर ने सिर्फ इंडिया के साथ नहीं किया, ट्विटर ने भी रिसेंटली क्या किया, नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री है, उसने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का बस एक ट्वीट डिलीट किया था, ट्विटर अकाउंट को नहीं छेड़ा उन्होंने, उनका एक ट्वीट डिलीट किया था। नाइजीरिया ने क्या किया, पूरी कंट्री में ट्विटर को ब्लॉक कर दिया, भाई ट्विटर है ही नहीं नाइजीरिया में। और ट्विटर अगर इतना पावरफुल है तो इसको चाइना में क्या हो जाता है, भाई ट्विटर कहता है कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, ये प्लेटफॉर्म है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, यहाँ पर लोग कुछ भी बोल सकते हैं और ये एक बेसिक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का आदमी का, और हम अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत नहीं होने देते। तो भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच चाइना में कहाँ चली जाती है, ये नॉर्थ कोरिया में कहाँ चली जाती है, ये नाइजीरिया में कहाँ चली जाती है, जहाँ पे आप गलत करते हैं आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है। चाइना में आपने कुछ गलत नहीं किया लेकिन चाइना में आपकी हिम्मत नहीं है आप जाके वहाँ पर कुछ कर पाएँ, वहाँ पर तो आप ब्लॉक हैं। नाइजीरिया में ये अब वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ पाँव जोड़ रहे हैं कि भाई हम अपनी गलती को मानते हैं, आप हमें मौका दीजिए, अपने यहाँ हमें अलाउ करिए, हमसे बैन हटाइए हमारे ऊपर से। अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है कि वो ट्विटर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, तो इस पर भी कई चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट अपने एक मिनिस्टर का अकाउंट लॉक होने के बाद, ये तो IT मिनिस्टर का अकाउंट लॉक हुआ, आपके होम मिनिस्टर के DP पे स्ट्राइक आती है, कॉपीराइट स्ट्राइक, आपके एक राज्य के राज्यपाल का अकाउंट लॉक किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तब भी आपने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। तो इसके पीछे ये मजबूरी समझी जा रही है कि अगर इंडिया ने ट्विटर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया तो सबसे पहले जो इंडिया की एक इमेज है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इंडिया अपनी इस इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता ट्विटर के अगेंस्ट एक्शन लेकर के। दूसरा इंडिया को ये भी लगता है कि भाई जो US से इतने अच्छे रिलेशन बने हैं, कहीं US गवर्नमेंट ना नाराज़ हो जाए कि भाई आपने हमारी कंपनी को कैसे बैन कर दिया अपने यहाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है।
अब दोस्तों आगे ये देखने वाली चीज़ें कि क्या ट्विटर इंडिया में न्यू आईटी रूल्स को फॉलो करता है और वो हमारे मिनिस्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करता है कि नहीं, और हमारी जो गवर्नमेंट है इस पर क्या एक्शन लेती है। तो ये फ्यूचर की बात है, हमें चाइना की तरह यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलानी, हम किसी को बैन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ रियली फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में वो लोग फिर अगर कुछ उनके फेवर में है तो कुछ भी बोलेंगे, अगर उनके अगेंस्ट में है तो भाई वो अवार्ड वापस करने पहुँच जाते हैं। और कई चीज़ें जो आपको पता नॉर्मली इंडिया में क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, तो देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है या ट्विटर को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो न्यू आईटी रूल्स को फॉलो करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।